Hello students, I welcome all of you in Kenny's Educare. Today we are learning about fractions and decimals. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्रैक्शंस, डेसिमल भी हम किसे कहेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन भी देखा था और हमने रिकॉल भी किया था सब्ट्रैक्शन एडिशन का, देन हमने मिक्स फ्रैक्शन उसका रिकॉल किया, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आफ्टर दैट हमने मल्टीप्लीकेशन भी अंडरस्टैंड किया. ओके तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स बाय फ्रैक्शन, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 घर हो, इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 होता है. अभी देखिए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन है उसे मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से या तो फ्रैक्शन से, हमें ऑलरेडी पता है. देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, यहाँ पर कोई नहीं मतलब मैं यहाँ पर 1 लिख सकते, तो ये भी यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया और ये भी यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया. सो 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, यही रूल आप ध्यान में रखिए, आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, देखिए फरीदा हैड अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन, शी कट दिस स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसने क्या किया है 4 इक्वल पार्ट्स में उसे कट किया है. हाउ डिड शी डू इट, उसने कैसे किया, शी फोल्डेड द स्ट्रिप ट्वाइस, उसने क्या किया जो स्ट्रिप है उसे ट्वाइसली यहाँ पर फोल्ड किया. वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ विल ईच पार्ट प्रेजेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ईच पार्ट विल बी 9th अपॉन 4 ऑफ द स्ट्रिप. So she took one part and divided it into 2 equal parts by folding the part once. So what will one of the pieces represent? It will represent half of 9/4 or हम ऐसे भी कह सकते हैं half को आपको क्या करना है, half को multiplication में convert करना है, 1 upon 2 multiply by 9 upon 4. Okay. So let us now see how to find the product of the two fractions like 1 upon 2 multiply by 9 upon 4. To do this. We first learn to find the products of like 1 upon 2 multiply by 1 upon 3 का कैसे निकाला जाता है. ओके okay? इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, एंड इफ वी फाइंड आउट इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप उसे शॉर्ट में भी कर सकते हो उसे करिए दे, और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो. So how to find the 1/3 of the whole? We divide the one whole in 3 equal parts. Each of the 3 parts represent 1 upon 3 of the whole. So take one part of these 3 parts and shade it shown as like जहाँ पर आपको दिख रहा है. Then after that, how will you find 1/2 of these shaded part? Divide the 1/3 shade part into 2 equal parts. Each of these 2 parts represent 1 upon 2 of 1 upon 3. मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/3. सो टेक आउट वन पार्ट ऑफ टू दिस टू एंड नेम ए, एंड ए रिप्रेजेंट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3. तो यहाँ पर देखिए व्हाट फ्रैक्शन इज ए ऑफ द होल, फॉर दिस डिवाइड ईच ऑफ द रिमेनिंग 1/3 पार्ट आल्सो इन टू इक्वल पार्ट्स. हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स डू यू नाउ? So there are 6 such equal parts. A is one of these parts. A क्या है? उनमें से एक है. तो students, so A is यहाँ पर देखिए 1 upon 6 of the whole मतलब 1 upon 2 multiply by 1 upon 3. कैसे आया? देखिए numerator का numerator से multiplication, 1 multiply by 1 and 2 multiply by 3 we get 6. तो यहाँ पर answer आता है 1 upon 6. So how did we decide that A was 1/6 of the whole? The whole was divided in 6 is equal to क्या हो जाएगा? 2 multiply by 3 parts and 1 is equal to 1 multiply by 1 part was taken out of it. So thus 1 upon 2 multiply by 1/3 is equal to 1 upon 6 मतलब numerator का numerator से multiplication, denominator का denominator से, यही ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए. तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 6. सो द वैल्यू ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 कैन बी फाउंड इन अ सिमिलर वे. डिवाइड द होल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन डिवाइड वन ऑफ दिस पार्ट्स इन 3 इक्वल पार्ट्स. सो टेक वन ऑफ दिस पार्ट्स, दिस विल रिप्रेजेंट 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 1/6. सो देयरफॉर 1 अपॉन 3 यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया 1 upon 6 as discussed earlier. Okay,
हमें देखिए अनदर एक सॉल्व करना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, सो वी गेट 1/12, ओके। देन आफ्टर दैट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, अगेन वी कैन गेट 1/12, ओके। इसका मतलब क्या हो गया देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने टर्म्स आप रीअरेंज भी करके लिख सकते हो, सो दैट्स वाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको याद आ रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जल्दी से बताओ, और वो प्रॉपर्टी आपके नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। सो एक कुछ एग्जाम्पल्स हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, सो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन टू 1/5 आवर्स, ओके। द पार्ट्स ऑफ द होल बुक क्या हो जाएगा सुशांत, 1 आवर, यहाँ पर 1/3 है, सो द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय हिम 2 1/5 आवर्स यहाँ पर है, 2 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, सो 5 2 10 + 1 11/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन, 11 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट आंसर 11/15। सो लेट अस नाउ फाइंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, वी नो दैट 5/3 इज इक्वल टू क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दैट्स वाई 1/6, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है यहाँ पर भी, सो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है आंसर 5/6, ओके। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, सो 5 1 5, 3 2 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5/6 हमारा आंसर हो गया, करेक्ट। तो येस ऑल्सो 5/6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3, दस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5/2/3 इज इक्वल टू 5/6। देखिए स्टूडेंट्स, यही आपको आपके बुक में ज़्यादा डीपली यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के वाइज दिखाया है, बट नॉर्मली जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन होता है हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यही बात ध्यान में रखिए, बाकी कुछ याद नहीं रखा तो भी चलेगा, आपको यहाँ पर आसानी से जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो शोन बाय फिगर्स ड्रॉन बिलो, कुछ फिगर्स आपको यहाँ पर दी है, सो ईच ऑफ दीज 5 इक्वल शेप्स आर पार्ट्स ऑफ द 5 सिमिलर सर्कल्स, टेक वन सच शेप, टू ऑब्टेन दिस शेप वी फर्स्ट डिवाइड अ सर्कल इन 3 इक्वल पार्ट्स, फर्दर डिवाइड ईच ऑफ दीज 3 पार्ट्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ इट इज शेप वी कंसिडर, वॉट विल इट रिप्रेजेंट, ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो इट विल रिप्रेजेंट 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब 1/6, द टोटल ऑफ सच पार्ट वुड बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 5/6, ओके। आई बस समझ में, आई थिंक आपको ये डायग्राम देखिए, आप जस्ट इसे देखिए, आपके नोटबुक में भी आपको यहाँ पर आपकी नोटबुक में आप ये सभी डायग्राम ड्रॉ करिए और यहाँ पर लिखिए आपने यहाँ पर क्या सॉल्व किया है, ओके। या तो आप आपके बुक में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्राम, ओके। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं डायग्राम वाइज, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखे थे डायग्राम वाइज क्वेश्चन, ऐसे डायग्राम भी आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 1 3 7 5 35 एंड वी गेट द आंसर 3/35, सो वी कैन दस फाइंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5 एज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो यहाँ पर 14/15 बन जाता है, ओके। सो वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्या समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, बट कहा मल्टीप्लीकेशन में, ये ध्यान में रखिए, नहीं तो आप यहाँ पर गलत करेंगे, कहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, वहाँ पर रूल क्या था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तब आप यहाँ पर न्यूमरेटर का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अगर यहाँ पर नहीं दिया है सो फर्स्ट वी नीड टू बी कन्वर्ट और मेक अ डिनोमिनेटर कॉमन, देन आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, बट इन द मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी होता है, जस्ट क्या करना है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालिए अपॉन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, ओके। चलो
सो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए यहाँ पर, यू हैव सीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज बिगर दैन ईच ऑफ द टू होल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 इज इक्वल टू 12 आता है एंड 12 इज ग्रेटर दैन 4, 12 इज ग्रेटर दैन 3. सो वॉट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वेन वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन. अगर यहाँ पर टू फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय m अपॉन n है, ये फर्स्ट मेरा फ्रैक्शन है और अनदर मेरा फ्रैक्शन a अपॉन b है, तो इसका जो वैल्यू आती है ये यहाँ पर, जैसे कि 12 ग्रेटर आया है 4 से, 12 ग्रेटर आया 3 से, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है क्या, देखिए. सो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, बट स्टूडेंट्स 8 अपॉन 15 इज लेसर दैन 2 अपॉन 3. वाई? तो 8 अपॉन 15 कैसे निकाला जाता है, हमें पता है 2 अपॉन 3 कैसे कंपेयर किया जाता है टू फ्रैक्शन को. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्ट कन्वर्ट द और मेक अ डिनोमिनेटर कॉमन 8 अपॉन 15 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ऊपर भी 5. ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें 15 चाहिए, सो 15 यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर 10 आ जाएगा. तो डिनोमिनेटर को यहाँ पर सेम हमें मिल गए हैं, तो न्यूमिनेटर को कंपेयर करिए, 8 इज लेसर दैन 10, मतलब 8 अपॉन 15 इज लेस दैन 2 अपॉन 3. सिमिलरली 8 अपॉन 15 इज लेसर दैन 4 अपॉन 5, सो प्रोडक्ट इज लेस दैन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट जो होता है टू फ्रैक्शन वैल्यू का वो लेसर होता है एज कंपेरेटिवली गिवन नंबर से. जो भी फ्रैक्शन नंबर है उससे वो क्या होता है, लेस होता है, लेस दैन ऑफ each of the fractions. तो similarly आपको क्या करना है students, यहाँ पर identify करना है with these examples. आपको यहाँ पर कुछ examples दिख रहे हैं, जल्दी से आपकी notebook open करिए, solve करिए, 1 upon 5 multiply by 2 upon 7 मेरे साथ ही solve करिए. आपको compare आपको खुद करना है, इसका reason आप खुद लिखेंगे, but मैं आपको इसका product बता दूंगा, ठीक है. So 1 upon 5 multiply by 2 upon 7 क्या करना है, numerator का product 1 multiply by 2 upon 5 multiply by 7 एंड वी गेट 2 अपॉन यहाँ पर 35. ओके, सो 2 अपॉन 35 हमें यहाँ पर आंसर मिलता है. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे कंपेयर करना है 1 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 7 से. ओके, आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो 2 अपॉन 35 है जो आंसर आया है वो लेसर दैन है एज कंपेरेटिवली गिवन टू फ्रैक्शन नंबर से. ओके, देन आफ्टर दैट 3 अपॉन 5 है मल्टीप्लाई बाय डैश डैश अपॉन 8 है. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालिए, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए एंड आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो. ओके, अगर मैंने यहाँ पर 1 डाला, ओके यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा आप आंसर आप यहाँ पर लिखिए एंड देन उसे भी यहाँ पर कंपेयर करिए. देन आफ्टर दैट देखिए 4 टू ज़ा 8 होता है, तो 9 5 ज़ा क्या होता है 45, तो यहाँ पर आ जाता है 5. सो 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9, तो 8 अपॉन 45 हमें यहाँ पर आंसर मिल गया. ओके, सो 8 अपॉन 45 इज लेसर दैन 2 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 9 से. ओके, सो प्रोडक्ट इज लेस दैन each of the fraction. तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल गई कि यहाँ पर क्या होती है, लेसर होती है एज कंपेरेटिवली गिवन फ्रैक्शन से. सो वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन. क्या पता चला है, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये वर्ड भूलना नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन each of the two fraction, or the value of the product of two improper fraction is more than each of the two fractions. So construct 5 more examples for yourself and verify the above statement. Okay, so let us now multiply a proper and improper fraction. Say देखिए यहाँ पर 2 upon 3 है, 7 upon 5 है, इसका product आता है 14 upon 15, जो यहाँ पर lesser है as compared to 7 upon 5 से, but 14 upon 15 is greater than 2 upon 3. तो हमें यहाँ पर क्या पता चला स्टूडेंट, देखिए जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पर देखे, देखिए यहाँ पर 2 upon 35 है, सो 2 upon 35 ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, एंड 2 upon 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 upon 9 यहाँ पर, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ जाएगा. 3 upon 5 ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएंगे. बट जो नेक्स्ट चार्ट यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा रिवर्स होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है एज कंपेरेटिवली गिवन नंबर से. ओके, एंड अगर इफ वी मल्टीप्लाई वन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वन अनदर इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका जो आंसर होता है वो एक के यहाँ पर ग्रेटर होता है और एक से लेसर देन होता है. सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन इन्वॉल्व इन द मल्टीप्लीकेशन. द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो चेक इट फॉर 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8
एट अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन फाइव, आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के इस लेक्चर में हमने देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन से, देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट आता है उसे कैसे कंपेयर किया जाता है। अगर हमने यहाँ पर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन किया तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू गिवन नंबर से, बट इफ यू मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पर उसका आंसर लेसर देन होता है, ओके। एंड अगर हमने एक कॉम्बिनेशन में लिया तो ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा था, ओके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।